हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुनसिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एलर्जिक राइनाइटिस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, इनका कॉज क्या होता है और इसका होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस बेसिकली एक एलर्जिक डिसीज होती है। आपके बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है या जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इसमें एंटीबॉडीज रहती हैं जो बाहर के हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि बैक्टीरिया वायरस को किल करती हैं और उनसे आपको प्रोटेक्ट करती हैं। जब आपके बॉडी का ये इम्यून सिस्टम किसी नॉन हार्मफुल एजेंट को हार्मफुल मान लेता है या उसके ऊपर अटैक करता है, तब आपकी बॉडी में एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जो एलर्जी कॉज करता है। जैसा मान लें कि आपके नेजल पाथवे में कोई सब्सटेंस आ गया लाइक डस्ट, पॉलेंस या स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्जेक्ट, उसको आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने एज अ हार्मफुल एजेंट मान के उसके ऊपर अटैक किया, तब ये एलर्जिक रिएक्शन होता है। एलर्जिक राइनाइटिस के कॉज के बारे में बात करेंगे कि यह किस वजह से होता है। तो सबसे कॉमन कॉज होता है डस्ट और इसके बाद होता है माइट्स, पॉलेंस ग्रेन्स, आपके परफ्यूम्स या स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्जेक्ट। सबसे कॉमन कॉज होता है डस्ट। आपके हाउस में जो डस्ट होती है इससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है। ये एलर्जी काफ़ी लंबे टाइम तक होने के बाद एलर्जिक राइनाइटिस का रूप ले लेती है। तो ये थे कुछ एलर्जिक राइनाइटिस के कॉज। अब हम देखते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस के क्या सिम्टम या लक्षण होते हैं। तो सबसे फर्स्ट और कॉमन जो सिम्टम होता है वो है स्नीजिंग या छींक आना। आपको मॉर्निंग में उठते से ही स्नीजिंग के अटैक आएंगे। एक बारे में 10-15-20 छींकें आएंगी, एक के बाद एक कंटिन्यू छींक आती रहेंगी और ये अटैक दिन में कई बार आ सकते हैं। सेकेंड सिम्टम होता है रनी नोज या वॉटरी नेजल डिस्चार्ज। आपको छींक के बाद नाक से बिल्कुल वॉटरी डिस्चार्ज होगा, पानी की तरह आपकी नाक बहेगी। इसके बाद क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो आपकी आंखों में जलन होगी, खुजली होगी, आंखों से डिस्चार्ज होगा, आपके जो नॉस्ट्रल या नेजल पाथवे है इनमें आपको इरीटेशन होगा, जलन होगी और कुछ कुछ केसों में आपको हेडेक भी देखने को मिलता है। कंटिन्यू जब आपको ये सिम्टम रहते हैं, छींकें आएंगी, रनी नोज रहेगी, आंखों से डिस्चार्ज होगा, तो आपको सर में भारीपन और हेडेक रहेगा। ये होते हैं कुछ सिम्टम एलर्जिक राइनाइटिस के। अब हम देखते हैं कि आप इसमें क्या प्रिवेंटिव केयर ले सकते हैं। अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो आप मास्क का यूज़ करें। जिस जगह में ज़्यादा डस्ट होती है वहाँ जाना अवॉइड करें। आपके घर में जो बेडशीट होती हैं, टेबल क्लॉथ होते हैं या कर्टेंस होते हैं उनको आप रेगुलरली चेंज करें ताकि आपका एक्सपोजर डस्ट से ना हो। और ऐसे ही अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्जेक्ट से या परफ्यूम से एलर्जी है तो आप उसका यूज़ बंद कर दें। अब हम देखते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस का होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ मेडिसिन शेयर करूंगा जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट एलर्जिक राइनाइटिस में देखने को मिलते हैं। तो जो भी मैं मेडिसिन बताता हूँ एक बार अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लें, उनके गाइडेंस में लें। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। फर्स्ट मेडिसिन है एलियम सीपा। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज़ की जाती है। अगर आपकी नाक से बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, आंखों से भी आपका डिस्चार्ज हो रहा है और आपकी नाक में जलन या बर्निंग या इरिटेशन हो रही है और आपकी कंप्लेंट बंद रूम में बढ़ जाती हैं या गर्म एरिया में आपकी कंप्लेंट बढ़ जाती हैं और आप ओपन एयर में जब भी जाते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है या आपकी कंप्लेंट कम हो जाती है, तो आपको एलियम सीपा यूज़ करना चाहिए। एलियम सीपा को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद सुबह लेना है, 2 बूंद दोपहर में लेना है और 2 बूंद रात में लेना है। इस मेडिसिन को आपको 1 महीने तक कंटिन्यू करना है। अगर आपको इससे रिलीफ मिलता है तो इस मेडिसिन को आप और लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है सेबरडेला। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको सुबह उठते से ही मॉर्निंग में स्नीजिंग्स के अटैक आते हैं, एक बार में 15-20 छींकें आती हैं, उसके बाद आपका नेजल डिस्चार्ज या वॉटरी डिस्चार्ज आपका शुरू हो जाता है और साथ ही साथ आपकी आँख बिल्कुल लाल रहती है, जलन होती है, इरिटेशन होता है, तो आप सेबरडेला यूज़ कर सकते हैं। सेबरडेला को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी भी 2 बूंद सुबह लेना है, 2 बूंद दोपहर में लेना है और 2 बूंद रात में लेना है। इस मेडिसिन को आप 1 महीने तक कंटिन्यू करें। अगर आपको इसमें आराम मिलता है तो इसको आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है नेट्रमयूर। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका कोराइजा बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 2 से 3 दिन तक ये रहता है, इसके बाद आपकी नाक बंद हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है नोज़ में, इसके साथ साथ आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और आपकी स्मेल या टेस्ट भी चला जाता है, तो आप नेट्रमयूर यूज़ कर सकते हैं। नेट्रमयूर को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात में लेना है। इस मेडिसिन को भी आपको 1 महीने तक लेना है। इसके बाद अगर आपको रिलीफ मिलता है तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
फोर्थ मेडिसिन है सैंग्विनेरिया कैन, ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका नेजल डिस्चार्ज येलो कलर का हो रहा है, थिक डिस्चार्ज हो रहा है, साथ साथ में आपको नाक में ड्राइनेस लग रही है, नेजल मेम्ब्रेन में ड्राइनेस और कंजेशन लग रहा है, उसके साथ आपको राइट साइड हेडेक भी हो रहा है, तो आप सैंग्विनेरिया कैन यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात में लेना है। इस मेडिसिन को आपको 1 महीने तक कंटिन्यू करना है। ये थी कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए। जो भी मेडिसिन मैं बताता हूँ वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले, अपने होम्योपैथ के गाइडेंस में ले। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।